तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम से दो बहुत बड़ी खबर। तो जानने के लिए आप लोग बने रहे हमारे इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ODI वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू है जो कि भारत में हो रहा है, और उससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर बेन स्टोक्स अपना ODI रिटायरमेंट रिवर्स कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स अभी से एक साल पहले जुलाई 2022 में ODI से रिटायरमेंट ले लिए थे, और उन्होंने कहा था कि अब वो टेस्ट और T20 पे सिर्फ फोकस करेंगे। ODI से रिटायरमेंट ले लिए थे, और दोस्तों करीबन एक साल बाद बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप से पहले फिर से रिटायरमेंट को वापस लेके फिर से कमबैक कर लिया है ODI में। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेन स्टोक्स किस प्रकार के ऑलराउंडर है इस दुनिया में। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड कप प्लान्स के लिए कहा जा सकता है बेन स्टोक्स वापसी किए हैं। तो दोस्तों बता दें कि बेन स्टोक्स का इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का T20 और ODI सीरीज है, उसमें टीम में नाम है बेन स्टोक्स का। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स का चयन हुआ है इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के ODI और T20 सीरीज में, जो कि वर्ल्ड कप से पहले है, उसमें खेलते हुए नजर आएंगे बेन स्टोक्स। तो दोस्तों, ये तो हुई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी न्यूज़। अब बात करते हैं बुरी न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, देखा जा रही है कि जोफ्रा आर्चर, जो कि इस दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर में से एक माने जाते हैं, वो इंग्लैंड के वर्ल्ड कप प्लान्स में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से जोफ्रा आर्चर क्रिकेट से दूर रह चुके हैं अपने इंजरी के कारण। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर वर्ल्ड कप भी मिस कर चुके हैं पिछले साल, उसके बाद IPL भी मिस कर चुके हैं, और काफ़ी समय से क्रिकेट भी मिस कर चुके हैं जोफ्रा आर्चर। और अभी तक कमबैक से लेके जोफ्रा आर्चर का कोई न्यूज़ है। दोस्तों बता दें कि इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड जो कि सीरीज है, उसमें भी जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स ने उस ODI और T20 में वापसी कर ली, लेकिन जोफ्रा आर्चर का इसमें भी नाम नहीं है। तो दोस्तों, ये दिखा रहा है कि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड टीम के वर्ल्ड कप प्लान्स में नहीं, और काफ़ी समय से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूर है। दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम जोफ्रा आर्चर से ज़्यादा मार्क वुड, क्रिस वोक्स, डेविड विली, सैम करन, स्टोक्स और टॉपली पे ज़्यादा विश्वास दिखा रही है अपने बॉलिंग लाइनअप में। लेकिन दोस्तों, अभी भी होप है कि जोफ्रा आर्चर कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जोफ्रा आर्चर किस प्रकार के गेंदबाज हैं, और वो अकेले चाहेंगे तो अपने दम पे मैच बदल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी होप हम लोग जगा के रखे हैं कि जोफ्रा आर्चर ज़रूर कमबैक करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से दो बड़ी खबर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।